नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओल्ड टाइम क्लासेस सहारनपुर चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है, आज की क्लास हमारी ये उत्तर प्रदेश विशेष में जो 1000 क्वेश्चनों की हमने सीरीज चला रखी है, उसकी होने वाली क्लास है ये दोस्तों। तो दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है आगामी उत्तर प्रदेश के जो भी परीक्षा है, इसमें चाहे आपके यानी कि ये या पैट ले लो या राज्य स्तर की कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए इनमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों दूसरी बात, और अगर आप यानी तो लगातार हमारी वीडियो देखते हैं तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, हो सके तो दोस्तों जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके फ्रेंड और जो आप हैं या आपके दोस्त या आपका कोई भी ग्रुप हो, वो बिना पढ़ाई के रह ना सके। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों ताप विद्युत, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र राज्य संयुक्त। ठीक है दोस्तों, ये राज्य सरकार की ओर से जो बनाया गया, केंद्र सरकार की ओर से जो काम किया गया, ठीक है दोस्तों, और इसके बाद केंद्र राज्य द्वारा संयुक्त में जो किया गया कार्य। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राज्य के कुल विद्युत उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है। तो विद्युत उत्पाद में अगर देखा जाए तो दोस्तों किसका सर्वाधिक जो योगदान है, तो वो है दोस्तों तापीय विद्युत का। किसका दोस्तों? तापीय विद्युत का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरदुआगंज यानी अलीगढ़ के अंदर है ये, पनकी कानपुर के अंदर है, ये है परीक्षा झांसी और अनपरा सोनभद्र में है दोस्तों ये, और उसके बाद वह ओबरा, ठीक है दोस्तों, ये भी सोनभद्र में ही है। तो हैं ये, तो ये किस तरह की परियोजनाएं है दोस्तों? ये है राज्य विद्युत, ओह दोस्तों ये तो गलत है वर्ड, ये विद्युत है, विद्युत उत्पादन निगम की तापीय विद्युत परियोजनाएं। तो कैसी हैं दोस्तों ये? राज्य विद्युत उत्पादन की तापीय विद्युत परियोजनाएं। और बात करें राज्य विद्युत उत्पादन निगम के उपरोक्त 5 यानी दोस्तों इसमें यहाँ छोटा हुआ 5, कोई बात नहीं, यहाँ पर है परियोजनाएं, परियोजना, ठीक है दोस्तों। राज्य विद्युत उत्पादन निगम की उपरोक्त 5 परियोजनाएं में कुल 25 इकाइयाँ हैं, जिनका कुल यानी जिनकी कुल अधिष्ठापित यानी अधिष्ठापित अक्षमता है, कितनी है दोस्तों उनकी अक्षमता, कितनी है उनकी, वो है 5933 मेगावाट, ठीक है दोस्तों, MeV या MV बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य में सबसे पुरानी तापीय परियोजना, जिसका 1968 में यानी 1968 और रूस के सहयोग से पुनरुद्धार हुआ था। तो दोस्तों यानी सबसे पुरानी योजना कौन सी है और किसके सहयोग से हुआ था, वो हुआ था दोस्तों रूस के सहयोग से। इसका नाम है हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना है। और कब की बात है ये दोस्तों? 1942 में से इसकी बात की गई थी, ठीक है दोस्तों। केंद्रीय कंपनी निवेली लिग्नाइट व उत्तर प्रदेश सरकार की 1980 में में ये दोस्तों थोड़ा सा 1980 में, और यहाँ पर दोस्तों है विद्युत की संयुक्त तापीय परियोजना स्थापित की जा रही है। किसकी है दोस्तों? विद्युत की। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है घाटमपुर। तो घाटमपुर कहाँ पर है दोस्तों? कानपुर के अंदर। और हाँ दोस्तों याद रखना, ये निवेली लिग्नाइट किसकी है? उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों के उससे, ठीक है दोस्तों। और चलिए, और ये अगर बात करी जाए तो ये संयुक्त सरकार की वजह से है। चलिए
केंद्रीय कंपनी NTPC व उत्तर प्रदेश सरकार की 1240 मेगावाट की संयुक्त तापीय परियोजना की प्रथम इकाई चालू की जा चुकी है और दूसरी इकाई का कार्य प्रगति पर है। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करें तो दोस्तों एक बार फिर, केंद्रीय कंपनी NTPC व उत्तर प्रदेश सरकार की 1240 मेगावाट की संयुक्त तापीय परियोजना की प्रथम इकाई चालू की जा चुकी है और दूसरी इकाई का कार्य प्रगति पर है। ये बात अगर हो रही तो दोस्तों हो कहाँ की रही है, यह है मेजा की। अगर बात करें तो मेजा कहाँ पर है दोस्तों, प्रयागराज के अंदर। ठीक है दोस्तों, कहाँ की बात है, प्रयागराज के अंदर की बात है। ठीक है दोस्तों, राज्य में NTPC के उत्पादनरत तापीय परियोजनाएं हैं, तो NTPC के उत्पादनरत कितनी हैं दोस्तों, 7। और राज्य में NTPC निर्माणाधीन तापीय परियोजनाएं हैं वो कितनी है दोस्तों, 3। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य में NTPC की गैस आधारित तापीय परियोजनाएं कितनी हैं, वो है 3। कहाँ पे, औरैया है, आंवला और दादरी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पर। रोजा ताप विद्युत परियोजना रिलायंस ग्रुप द्वारा 1200 मेगावाट स्थापित की गई, तो ये कहाँ पे की गई दोस्तों, ये है शाहजहांपुर में। ठीक है दोस्तों, 12 यानी संगम ताप विद्युत परियोजना टाटा ग्रुप्स द्वारा 1980 मेगावाट की स्थापित की गई, ये कहाँ पे है दोस्तों, यह है दोस्तों कहाँ पे, प्रयागराज में। ठीक है दोस्तों, चलिए। ललित ताप विद्युत परियोजनाएं बजाज ग्रुप 1980 में मेगावाट की स्थापित की गई, ये कहाँ पे है दोस्तों, ये है ललितपुर में ही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज किसी कारणवश आज की जो क्लास की छोटी है, डिजली मैं आज ड्रॉप ऑफ कर रहा हूँ, तो दोस्तों कुछ ज़रूरी काम होने की वजह से, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों आप नाराज़ ना हो। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।